स्वागत है दोस्तों VGMI के एक न्यू फ्रेश गेम प्ले में। और आज हम लोग उतरे थे नूसा में। नूसा में उतरते ही सबसे पहले मैं लूट करता हूँ और मेरे को मिलती है AKM और UMP। लूट तो हो गई थी लेकिन ऊपर एक बंदा था। चचा कित घूम में अच्छा मेरी बातों से थोड़ा सा भड़क जाते हैं। फिर मैं अपने भाई को बुलाता हूँ कि कहता हूँ चलो चचा की फाड़ने चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ लेकिन चचा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चचा बीच में फंस जाते हैं और यहाँ पे चचा की हम लोग मिलकर पेटी बना देते हैं। और चचा बोलोगे नहीं क्या कुछ? चचा तो चलो बेहोश हो गए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बॉट दिखता है। आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? तो इस बॉट भाई को समझाने के बाद मैं अपने डेविड भाई को समझाता हूँ कि भाई ऊपर बंदा है, लेकिन भाई को कुछ ज्यादा चुल मची थी। अभी देखना सबसे पहले मैं इसको कवर देता हूँ ताकि उससे मार ना दे। ऊपर वाले बंदे को नॉक करने के बाद सीधा इसको रिवाइव करता हूँ, फिर से मैं ऊपर जाता हूँ। हालांकि वो बंदा फिनिश हो चुका था लेकिन उसका दूसरा टीममेट ऊपर से लैंड कर चुका था। इस लेजेंड को तो मैं ऐसा मारता हूँ बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद हमारा पूरा साइंस सेंटर खाली हो गया था और इसके बाद मुझे खाली यहाँ पे नीचे जाना था और नीचे बहुत गंदी फाइट हो रही थी घरों के पास। तो हम लोग सबसे पहले नीचे आते हैं और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कवर लेता हूँ, उसको एक नेट करूँ लेकिन मेरा टीममेट पुश कर देता है। अभी बचा था सिर्फ लास्ट बंदा। तीन बंदे नॉक हो चुके थे, लास्ट बंदा यहाँ से आता है। इसको देखना अभी पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। पीछे नहीं देखता और बेचारा मारा जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे पुश करता हूँ। हालांकि यहाँ पे एक स्क्वाड थी और जैसे मैं यहाँ पे पुश करता हूँ मुझे एक बंदे का साउंड आता है। फ्री फायर देता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती हो जाती है, मैं जल्दी से फॉल बैक नहीं कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ और यहाँ पे फिनिश भी हो जाता हूँ। उसके बाद खाली बचा था हमारा डेविड भाई, इसी को चिकन निकालना था। हमारी टीम के सारे बंदे नॉक हो गए थे और फिनिश हो गए थे। यहाँ पे अभी दो बंदे बाकी थे आगे। जैसे ही आता है सबसे पहले इसको एक बंदा स्पॉट होता है लेफ्ट में लेटा हुआ था। उसके बाद उसी के पीछे एक बंदा और था और ये लास्ट बंदा था। जैसे इसको मारता है भाई और इसी ऑसम क्लच के साथ हमारा ये विनर विनर चिकन डिनर एक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट गेम प्ले में हम लोग पहुँचते हैं जॉर्जिया के स्क्वाड हाउस। यहाँ पे पहुँचते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पे बंदे ऑलरेडी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, टीवी लेता हूँ लेकिन मेरे टीममेट मेरा टर्मिनेटर भाई पहले ही फाइट स्टार्ट कर देता है आप ही। उसके बाद नंबर फोर भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये दोनों दो दो बंदे नॉक कर देते हैं लेकिन नंबर फोर बीच में नॉक हो जाता है। फिर मेरी एंट्री होती है यहाँ पे, इसका लास्ट बंदा था फिनिश। तो यहाँ पे हमारा फोर नंबर बच जाता है और जैसे ये बचता है इतने में दूसरी स्क्वाड आ जाती है और वो फोर नंबर को नॉक कर देती है और इसको भी बहुत डैमेज देती है। हालांकि मेरी भी हेल्थ यहाँ काफ़ी कम हो गई थी। सबसे पहले मैं हील करता हूँ और मैं फॉल बैक करता हूँ बिकॉज आगे बिल्कुल मेरे चार बंदे थे, चार नहीं थे तीन थे सॉरी। और जैसे ही एक बंदा आता है उसको मैं थोड़ा सा फायर करता हूँ लेकिन राइट से हमारा फैलोन भाई इसको नॉक फिनिश कर देता है। फैलोन भाई की यही खासियत, जिसको पकड़ता है पूरा खाता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ फैलोन भाई हमारे झुक जाता है। उसके बाद मैं इसको बचाने की सोचता हूँ लेकिन वो बंदा इसको फिनिश कर देता है और आगे से भी एक बंदा आ रहा था। एक नॉक, दूसरा फिर इसको कवर देने आ रहा था, दूसरा नॉक और एक बंदा हम लोगों के ऊपर था सीढ़ियों से आता है। तो गाइस पूरी स्क्वाड एक बार में ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग इन लोगों को मार के थोड़ी देर बैठते ही हैं कि एक स्क्वाड और आ जाती है। ये लोग पूरे तीन बंदे आए हुए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉली करता हूँ कोने में, थोड़ा सा डैमेज होता है बंदा। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, मैं सोचता हूँ यहाँ से कोई बाहर अगर आया तो मैं उसको नॉक कर दूंगा, अदरवाइज कोई नहीं आता है यहाँ पे। और फिर मैं नीचे कूद जाता हूँ, एक नॉक, दूसरा नॉक और तीसरा बंदा विंडो से कूदता है, ये भी फिनिश। इसके बाद ये तीनों बंदे एक एक करके मर जाते हैं और ये वाली स्क्वाड भी फिनिश हो जाती है।
फिर हम लोग सबसे पहले जोन में जाते हैं बिकॉज जोन बहुत छोटा हो गया था। और जैसे ही मैं यहाँ पे आगे वाले स्क्वाड हाउस में होल्ड करने आता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वाड और आ जाती है, हम लोगों को सामने से मारने लगती है। और मेरे टर्मिनेटर भाई को तो ये एकदम जो है चलती गाड़ी से उतार देती है, बेचारा बहुत गाली दे रहा था। सबसे पहले मैं एक फ्री फायर देता हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले बड़ी बिल्डिंग में जाता हूँ, कॉल बैक करता हूँ बिकॉज वो लोग बहुत गंदे तरीके से मेरे ऊपर पुश कर रहे थे। और मैं इसके पीछे जाके सबसे पहले हील करता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ जल्दी से वो लोग इस गेट के उस पार आएँ और मैं उन लोगों को मारूँ। पहले एक बंदा आता है घर के अंदर, आते ही यहाँ पे मेरे से एक गलती हो जाती है, देखना अभी जैसे मैं कूदता हूँ मुझे यहाँ पे नहीं दिखता वो बंदा इसको रिवाइव कर रहा है, मैं पूछता हूँ कि अंदर बंदा चला गया है, उसको मैंने देखा ही नहीं था, नहीं तो यार ये गेम अच्छा खासा निकलने वाला था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर कर दो गाइस। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.